अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो बिल्कुल वही जो हम लोग पहले करते थे आज भी वही करेंगे, सिर्फ एक मानसिक संतुष्टि है कि हम एक राज्य कर्मी बन जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में क्या, वो तो सरकार कर तो जो इच्छा हो रहा है वो अपने अनुसार हमें चला रही है। 10 साल पहले भी हम शिक्षा की थे, अभी भी शिक्षा की रहेंगे। हाँ, वरीयता हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग का तो एक प्रमोशन भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल होने के बाद हम लोग का एक प्रमोशन। लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं है, सुनने में आ रही है कि आपकी वरीयता खत्म हो जाएगी, इससे हम लोग असंतोष की भावना है। अगर हमारी वरीयता खत्म कर दी जाती है और अभी जो तुरंत नए शिक्षक आए हैं वो हमसे वरीय हो जाते हैं, तो हमारा इतने साल का जो मेहनत है, हम लोग जो संघर्ष किए, वो तो हमारा जाया चला जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। सक्षमता परीक्षा पास 187,000 जो बिहार के नियोजित शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग के बाद वो राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। फिलहाल काउंसलिंग का आज 5वां दिन है और नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है। क्या नाम है? ज्योति सिंह। कहाँ सही है मैम? वैशाली, हाजीपुर, पटना। पटना ही था, पटना मिला। जी जी। कैसे देख रहे हैं अब काउंसलिंग के बाद राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, अब सिर्फ शिक्षक के रूप में अब जो नियोजित शिक्षक है वो जाने जाएंगे? बहुत खुशी होगी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, अपने घर आ जाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है। जितनी जल्दी हो सके, सरकार से अपेक्षा है कि जितनी जल्दी हो सके पोस्टिंग कर दे। कितना इंतजार करना पड़ा राजकर्मी का दर्जा मांगने, जो मांग थी उसे पूरा करने में? काफ़ी समय लग गया, लेकिन जब से एग्जामिनेशन हो गया उसके बाद से भी अभी तो मिला कहाँ है, अभी तो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त नहीं हुई है। अभी भी प्रतीक्षा कर रहे शिक्षक? बिल्कुल, आज तो वेरिफिकेशन ही है, देखते हैं कब तक पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग की भी मतलब उम्मीद ही है कि पोस्टिंग होगी? हाँ, वेरिफिकेशन के बाद ही पोस्टिंग होगी। ऐच्छिक पोस्टिंग की जो शिक्षक बात कर रहे हैं, क्या है ऐच्छिक पोस्टिंग, वरीयता क्या है? ऐच्छिक पोस्टिंग हर कोई अपने गृह जिला में आना चाहता है, तो वरीयता सब कोई अपने गृह जिला को ही दिया है। तो ऐच्छिक पोस्टिंग मिल गया? जी बिल्कुल, मुझे तो मिल गया। वरीयता का क्या है मामला? वरीयता जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उनकी वरीयता, वो चाह रहे थे कि जो बहुत दिनों से 14-15 साल से बहुत दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं वो आ जाए, यही मामला है उन लोगों का। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा जब जो नियोजित शिक्षक थे अब राजकर्मी के रूप में जाने जाएंगे, विशेष शिक्षक के रूप में जानेंगे, क्या शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो बिल्कुल वही जो हम लोग पहले करते थे आज भी वही करेंगे, सिर्फ एक मानसिक संतुष्टि है कि हम एक राज्य कर्मी बन जाएंगे, ये एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में हम जाने जाएंगे, ये सही संतुष्टि है। और क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे उन सरकार को? तो मैं थैंक्स ही देना चाहूंगी। क्या नाम है मैम? क्या नाम है मैम? क्या नाम है? रंजू कुमार। मुंगेर से। मुंगेर से। फर्स्ट चॉइस कहाँ था? पटना। पटना। पटना मिला जी। अब राजकर्मी के कहे जाएंगे, शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, पहले नियोजित शिक्षक थे, क्या कहेंगे सरकार को? कैसे काम कर रहे हैं सरकार? सर अभी तो प्रोसेस चल रहा है, हो जाएगा उसके बाद ही। हाँ, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। अच्छा, क्या लगता है जो पहले नियोजित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं अब राजकर्मी का दर्जा मिल गया है, तो शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? सर इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? कोई बदलाव नहीं, और उल्टे हम लोग परेशान ही हो रहे हैं। अच्छा, महिला शिक्षक है जो जिन महिला शिक्षकों को ऐच्छिक जो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट चॉइस नहीं मिला वो आज भी परेशान है, वो सरकार से मांग कर रहे कि ऐच्छिक पोस्टिंग की बात करें, क्या ऐच्छिक पोस्टिंग क्या है? जिनको जिधर जाना है अपनी इच्छा से, जहां जाना चाह रही हैं, अपने घर अपने बच्चों के पास, वो लोग चली जाएंगी। सरकार जो काम कर रही है उससे संतुष्ट है? जो वरीयता संतुष्टि है? जी जी बिल्कुल। को लेकर जो मांग की जा रही है कैसे उसको देखते हैं? अभी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है सर? हरिद्वार कुमार। कहाँ से हैं? बांका से हैं। फर्स्ट चॉइस था पटना? हाँ। फर्स्ट चॉइस मिला? हाँ। कैसे जो वरीयता और जो ऐच्छिक पोस्टिंग की बात करें, इस पे क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे, ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। पूछो ना, ये कब होगा, क्या जाएगा, कौन जानता है? आपकी मांग तो पूरी होगी ना, अब तो अंतिम चरण में है जो राजकर्मी की। अपना सर ये कब होगा कौन जान रहा है, कुछ ये सरकार में विश्वस्त नहीं है, कभी भी नियम बदल जाती है, कभी बदल जाएगी। हाँ। क्या नाम है? मनीषा कुमारी, मुंगेर से। फर्स्ट चॉइस पटना था? मेरा। अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, विशेष शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, अंतिम चरण है राजकर्मी का दर्जा के लिए, अब इसके बाद से नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्या कहेंगे सरकार को? क्या और क्या शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होगा? शिक्षा व्यवस्था में क्या, वो तो सरकार कर तो जो इच्छा हो रहा है वो अपने अनुसार हमें चला रही है। 10 साल पहले भी हम शिक्षा की थे, अभी भी शिक्षा की रहेंगे, बस एक ये टैग लगेगा कि बस एक राजकर्मी है, उसके अलावा और कुछ नहीं बदलने वाला। नियोजित थे अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, क्या बदलाव क्या होगा? पहले क्या बदलाव, पहले क्या था और अब इसमें क्या बदलाव आने वाला?
ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यही था कि पहले नियोजित थे अब राजकर्मी का दर्जा। टैग सिर्फ एक टैग चेंज हो रहा है, नियोजित और राजकर्मी, उसके अलावा हमारे साथ कोई और बदलाव नहीं हो रहा है। अपर मुख्य सचिव जब शिक्षा विभाग के पाठक थे, अभी एस सिद्धार्थ है, दोनों के कार्यकाल को शिक्षक कैसे देखते हैं? दोनों का अपना अपना पहलू था, दोनों अपने अच्छे मतलब के पाठक भी जब थे तो वो भी शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार किए, बहुत ऐसे शिक्षक थे जो स्कूल नहीं जाते थे वो आना शुरू कर दिए, और एस के सिद्धार्थ इनका भी बहुत अच्छा रहा है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है, बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ। काफ़ी परेशानी भी होती थी, कई शिक्षक जो है उसका विरोध करते रहे। सर विरोध वो कुछ मामले में, जैसे वो छुट्टी में उन्होंने दिक्कत किया, अगर छुट्टी को अगर हम लोग किनारे कर दें तो बाकी अच्छे थे के पाठक। अच्छे थे, क्या नाम है? सूरज कुमार नाम है, बांका जिला से आए हुए हैं। फर्स्ट चॉइस पटना था क्या? फर्स्ट चॉइस पटना था? नहीं नहीं, मेरा लास्ट चॉइस दिया गया है पटना, जबकि हमको पटना इच्छा नहीं है, फिर भी मैंने जोर जबरदस्ती से दिया गया है। हमको बांका जिला मिलना चाहिए था लेकिन बांका जिला नहीं मिला, वो लास्ट ऑप्शन जो कि पटना दिया गया है। क्या कहेंगे शिक्षा विभाग से? क्या मांगे? शिक्षा विभाग तो है जो कि अपनी मनमानी तरीके से, मैंने मनमानी कर, बिल्कुल मनमानी तरीके से मांग रहे थे राजकर्मी का दर्जा मिले, तो राजकर्मी का दर्जा भी अब मिल रहा है, अंतिम चरण में है उसका। नहीं नहीं, राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है लेकिन हम तो एक शिक्षक ही है ना, शिक्षक ही है, हम लोग 10 साल से काम कर चुके हैं, हमारी वेतन उतना ही है जितना कि राजकर्मी का वेतन है। हो सकता है कि हम, मेरा वेतन अभी वर्तमान में अभी ज़्यादा है, और जो राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद हमारा वेतन और भी कम जाएगा। दूसरी बात है कि हम लोग का जो को लेकर क्या, हाँ वरीयता हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग का तो एक प्रमोशन भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल होने के बाद हम लोग का एक प्रमोशन मिलता है, अब राजकर्मी का बनने के बाद हम लोग का प्रमोशन मिलता मिलेगा ही नहीं, क्योंकि राजकर्मी बना रहे हैं। बस सरकार से उम्मीद है, सरकार से संतुष्ट नहीं। 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, हो सके 2025 से पहले नीतीश कुमार आपकी मांग को पूरा कर दे, तो क्या लगता है 2025 में इसका असर दिखेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो असर दिखेगा नहीं, सरकार जो है शिक्षक के प्रति कभी मैंने उदारता नहीं दिखाई है, हमेशा है जो कि क्रूर, हाँ क्रूर क्रूर टाइप के दिखाई है, अभी वर्तमान में देख लीजिए। फर्स्ट चॉइस पटना था, जो महिला शिक्षक का है उनका कहना है कि अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं है, उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग की जो बात किया जा रहा था, तो क्या इस पे कहेंगे, वरीयता और ऐच्छिक पोस्टिंग पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सरकार से हमारी डिमांड है कि हमारी वरीयता को ख़त्म ना करे, राज्यकर्मी का दर्जा दे, तो हाँ वरीयता, क्योंकि हम लोग 10-10 साल से जॉब कर रहे हैं, अब आप वरीयता ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारा फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, ये तो फिर सही नहीं है। तो कुछ ये होगा शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा, जैसे पहले नियोजित शिक्षक थे राजकर्मी थे, क्योंकि जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कब से राज्यकर्मी बनने का इंतजार कर रहे थे, वो अति उत्साह के साथ और काम करेंगे, उनके लिए ये खुशी की बात है कि रिटायरमेंट से पहले उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए और सरकार जल्द से जल्द दे दे, उम्मीद तो है कि इसी साल दे दे हमें 2024 में, तो बहुत के लिए। हाँ चुनाव भी है, तो मतलब इससे पहले चुनाव से मतलब नहीं, हमें तो निष्पक्ष चुनाव कराना होता है, पर हाँ उनके फैमिली मेम्बर्स तो ज़रूर खुश होंगे कि हाँ उनके घर में मिल गया, वरीयता भी मिल जाए हमें और राज्यकर्मी भी मिल जाए, इतना ही सरकार से हमारी डिमांड है और कुछ नहीं। बाकी तो खुशी है कि उन्होंने बहुत जल्द रिजल्ट दे दिया था सक्षमता का, पर काउंसलिंग में थोड़ी लेट कर दी, पर अब ज्वाइनिंग में लेट ना करें। तो देखिए ये तमाम जो शिक्षक हैं वो काउंसलिंग कराने आए थे, और काउंसलिंग के दरमियान जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो शिक्षकों के लिए उदासीन हैं, और किस तरीके से जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि वरीयता को लेकर जो शिक्षा विभाग से मांग है उसे जल्द पूरा किए जाने की बात करें। और महिला शिक्षक हैं, क्या नाम है? डिंपल शर्मा, वैशाली से। वैशाली से है। पटना था। बिल्कुल बिल्कुल। अब राजकर्मी का दर्जा भी मिल गया। अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि पहले नियोजित थे, अब राजकर्मी का दर्जा मिल गया, क्या उत्साह है शिक्षकों में? उत्साह नहीं है, ये 15 साल बाद, हम 2009 में ही हमारी पोस्टिंग हुई थी तो 15 साल बाद इस कदम उठा है, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं है, सुनने में आ रही है कि आपकी वरीयता ख़त्म हो जाएगी, इससे हम लोग असंतोष की भावना है। वरीयता को लेकर अभी शिक्षकों में असंतुष्टि है, भावना है। 15 साल का मेरा जो अनुभव है, जो हमने कार्य किया, उसका कुछ तो फल मिले, ऐसा ना हो कि जो कल के आए टीचर हैं वो हमको सिखाएं समझाएं। राजकर्मी का दर्जा मांगने में काफ़ी समय लग गया, ठीक है, अब वरीयता को लेने में कितना समय लगे इस पर भी कुछ है कह सकती है? अभी तो सरकार के हाथ में हमारी बोल है ना। 2025 में विधानसभा चुनाव होने, नीतीश कुमार लगातार शिक्षा विभाग पे काम कर रहे हैं, तो 2025 से पहले हो सके वरीयता पे काम, जो मांग है वो पूरी कर दिया जाए। सरकार हमारी कार्य शैली को देखे, इतने दिन जो हमने कार्य किया,
हमारे रिजल्ट से कितने परीक्षार्थी लाभान्वित हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आए दिन अपना क्रेडिट लेती है उसमें हमारा भी सहयोग है, है ना, तो वो सहयोग की हम लोग का कुछ तो फल दे। हाँ, 15 साल जो हमसे कार्य करवाए सरकार, वो हमको एक दिन में 15 साल का अनुभव को ख़त्म कर रही है, ये इसकी हम लोग को नाराजगी है। क्या नाम है? राजलक्ष्मी, वैशाली से। वैशाली से फर्स्ट चॉइस पटना था जी। संतुष्ट हैं जी? अब तो राजकर्मी का दर्जा भी मिल गया। हाँ, मिल गया। तो क्या कहेंगे शिक्षा विभाग को, क्या कहेंगे, क्या कहा जाए? हम लोग का हम लोग भी 2010 से हम लोग ज्वाइनिंग हैं और इतने साल के बाद सही वाकई में ये चीज़ हम लोग को दिया जा रहा है। उसमें भी ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है वरीयता का, है ना। अगर हमारी वरीयता खत्म कर दी जाती है और अभी जो तुरंत नए शिक्षक आए हैं वो हमसे वरीय हो जाते हैं, तो हमारा इतने साल का जो मेहनत है, हम लोग जो संघर्ष किए, वो तो हमारा जाया चला जा रहा है, इसलिए हम लोग असंतुष्ट हैं। चीज़ जैसे हम लोग को कुछ समय को लेकर के समस्या था, है ना, कि एक ड्यूरेशन जो होना चाहिए स्कूल पीरियड का वो नहीं, तो अगर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, थोड़ी कड़ाई की जाए, तो वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं, अनुशासन तो हर जगह चाहिए ना, अनुशासित रहना, बच्चे अनुशासित रहें, हम अनुशासित रहें, बहुत अच्छा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।